स्वागत है दोस्तों आज हमारे व्लॉग में। और आज द वायरल स्ट्रोक की टीम चल पड़ी है एक नए डेस्टिनेशन पे। जी हाँ, आरा मुख्यालय से कुछ ही दूर पर अवस्थित कायम नगर। अपने आप में कायम नगर बहुत ही ऐतिहासिक जगह रही है। जगदीशपुर में हो रहे 3 दिवसीय वीरकुंवर सिंह के विजयोत्सव में कायम नगर की चर्चा अनायास ही आ पड़ी, जिसमें बताया गया कि कायम नगर में ही एक आम का बागीचा अवस्थित है जहां वीरकुंवर सिंह ने अंग्रेज जनरल डनवर से लड़ाई की थी। हम उस जगह की खोज में निकल पड़े। रास्ते काफी कठिन थे। हमने आसपास के ग्रामीणों से उक्त स्थान के बारे में काफी जानने की कोशिश की, पर कोई भी ग्रामीण पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं दिखा। सभी सिर्फ आशंकाएं ही व्यक्त करते नजर आए। सभी ने बताया कि उन्होंने भी सुन रखा है कि एक ऐसा आम का बगीचा वास्तव में था, पर एग्जैक्ट उस आम के बगीचे की लोकेशन क्या है वो ग्रामीण बताने में हमें असमर्थ नजर आए। पर हमारी टीम ने बिना रुके उक्त जगह के बारे में पता लगाने के लिए भरपूर कोशिश की। गांव के काफी जगहों पर और काफी बागीचों को घूमने के बाद हमें मुलाकात हुई उस गांव के एक निवासी उपेंद्र तिवारी जी से। उपेंद्र तिवारी जी ने हमारी टीम से बात की और उन्होंने बताया कि यह आम का बागीचा वास्तव में कायम नगर में अभी भी है। हालांकि वो बागीचा 4 लेन में जा चुका है, पर उस बागीचे में वो कुआं भी अभी हमें देखने को मिल सकता है। फिर क्या था, हमने और हमारी टीम ने उपेंद्र तिवारी जी से निवेदन किया कि हमें उक्त कुएं या उक्त बागीचे तक लेकर चलें। उपेंद्र तिवारी जी ने हमारी बात को माना और वो हमारे साथ ही उक्त बागीचे की खोज में निकल पड़े और हम चल पड़े उस बागीचे की खोज में। और इस तरह हम और हमारी टीम उस बागीचे तक पहुंच गए। आज हमें कायम नगर के एक ऐसे क्षेत्र में जहां पे वीरकुंवर सिंह की स्मारक बनाने की बातें की जा रही हैं, यहां हम उनकी स्मृति चिन्ह को खोजने के कगार पर हैं। और आज हमारे साथ है उपेंद्र तिवारी जी। इनका कहना है कि इन्होंने इनकी जानकारी में चीजें थी कि यहाँ पे लड़ाई हुई थी, लेकिन आज के दौर में यहाँ कोई स्मृति चिन्ह अवशेष नहीं है। अवशेष में है तो सिर्फ एक कुआं और बस ये बागीचा। ये बागीचा भी अभी 4 लेन में जा चुका है, तो स्मृति अवशेष मिलना काफी मुश्किल है। आइए सुनते हैं उपेंद्र तिवारी जी से क्या जानते हैं ये इस जगह के बारे में। जानकारी आपको इस बागीचे के बारे में, कैसे क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ आम का बगीचा था, बगल में रोड छोड़कर इधर घोड़सवार लोग फोर से गिरा था। अंग्रेज इधर से अंग्रेज का सेना आ रहा था, इधर बाबू वीरकुंवर सिंह के पूरा फौज था जी। हमला सामना लड़ाई हुआ था वीरकुंवर सिंह का अंग्रेजों से यहाँ से गुजरने क्रम में, तो यहीं पे हुआ था और उनका अंग्रेजों से आमना सामना हुआ। वीरकुंवर सिंह के 160 वर्ष के विजय उत्सव के बाद वीरकुंवर से जुड़ी हर चीजें लगभग जीवंत हो उठी हैं। जब बात चली तो कायम नगर का भी नाम आया, क्योंकि कायम नगर एक ऐसी जगह है जहां उन्होंने डनवर से दो दो हाथ किए। इस कायम नगर के इतिहास को खंगालते हुए आज हम पहुंच चुके हैं कायम नगर के पास और आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहा है कायम नगर का इतिहास। नमस्कार, मैं आदित्य चतुर्वेदी। मैं बताता हूं कि कायम नगर का वो स्थल जहां पर कैप्टन डनवर अपने 500 सिपाहियों की टुकड़ी लेकर आ रहा था और वीरकुंवर सिंह यहीं पर धावा बोलकर सुबह तक मात्र उसके 50 लोगों को जिंदा रहने दिए थे। 500 लोगों की टुकड़ियों से रात भर कुंवर सिंह की सेना लड़ते रही और छापा मार युद्ध में निपुणता के कारण उन्होंने 500 में से 450 लोगों को सिपाहियों को मार डाला। मात्र सुबह तक 50 सैनिक बचे थे जो कि यहाँ से भाग खड़े हुए। वो आरा आ रहे थे और आरा में अपना साम्राज्य को, जो फैले हुए साम्राज्य का पतन उनका हो रहा था, उसको बनाए रखने के लिए कैप्टन डनवर आया था। यहाँ पर कैप्टन डनवर भी मारा गया था, जिसके मरने के बाद उसकी पूरी जो 50 लोगों की टुकड़ियाँ बची हुई थी वो यहाँ से भाग खड़ी हुई।
ये कहा जा रहा है अभी हम लोग ये उसी आम के बगीचा में लगभग हैं। पहले के बगीचा के जो वृक्ष थे वो कट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और यहाँ से 4 लेन गुजर रही है कुछ ही दूर पे, वहाँ भी आम का बहुत सारा वृक्ष हुआ करता था जो कि आज कट गया है, और ये छोटे छोटे आज हम लोग हैं, और यही वो स्थल है। जैसा कि नीतीश कुमार ने अभी अपने भाषण में भी चर्चा किया था कि कायम नगर में भी वो जो आम का बगीचा है उसको डेवलप किया जाएगा, उसमें कुछ चिन्ह लगाए जाएंगे जिससे लोगों को मालूम चल सके, कुछ प्रतीक चिन्ह या फिर जो भी हो। तो हम लोग उसी की खोज में आज हम लोग कायम नगर पहुँचे, कायम नगर के लोगों से जानकारी ली, बहुत सारे लोगों से जानकारी लेने के बाद मालूम चला कि यही वो स्थल है। हालांकि अभी भी हम लोग पूरी तरह कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन शायद ये वही जगह है, क्योंकि जैसा कि 4-5 लोगों से लगातार पूछने के बाद कंफर्म हुआ कि यही वो जगह है। यहाँ एक छोटी सी कुआँ भी है जो बहुत पुरानी लग रही है, हालांकि उसको रिमॉडलिंग करके उस पर नई ईंटें लगाई गई हैं, इसलिए वो भी हम लोग 100% नहीं कर सकते, लेकिन ये वही बगीचा है कुछ इसी तरह का जिसमें वीर कुंवर सिंह ने कैप्टन दनवर एवं उसके सिपाहियों से लड़ाई की थी। तो दोस्तों ये था कायम नगर के बारे में इतिहास। अभी भी पूरी पुख्ता जानकारी हमारे पास या हमारे टीम को नहीं लगी, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको कायम नगर के किसी इतिहास के बारे में अगर थोड़ी सी दिखाई से कोई जानकारी हो तो हमसे संपर्क जरूर करें और इसके बारे में हमें जरूर बताएं, ताकि हम उस इतिहास तक पहुँच सके और जो सरकारी नुमाइंदे हैं उनका भी ध्यान हम इस जगह तक ला सके, क्योंकि ये जगह अपने आप में काफी ऐतिहासिक है, काफी ज्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरह की उदासीनता यहाँ की सरकार के द्वारा दिखाई जा रही है, यहाँ पे एक स्मृति चिन्ह नहीं है, एक अवशेष तक नहीं है, ताकि ये पता लगा पाना काफी मुश्किल है कि आखिर वो स्थल कौन सा है। तो ये स्थल अपने आप में चूंकि काफी ऐतिहासिक है, काफी महत्वपूर्ण है, तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि अगर आप जो भी यहाँ के स्थायी निवासी हो या यहाँ से जुड़े हुए हो, अगर इसके बारे में आपको जानकारी हो तो हमारी टीम से संपर्क करें और इस इतिहास को दुनिया के सामने लाने में हमारी मदद करें।